एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड जैसा कि आप मेरे लास्ट ब्लॉग से जानते हैं, मैं अपनी मौसी के साथ ओल्ड लखनऊ गई थी चिकनकारी की थोड़ी सी शॉपिंग करने। एंड आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल इसके बारे में मैं वीडियो बनाती हूं और विस्तार से दिखाती हूं कि मैंने कितनी सारी लखनऊ से शॉपिंग की है। लखनऊ का चिकनकारी काम तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड फेमस है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का चिकनकारी काम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थ्रेडवर्क होता है, बहुत ब्यूटीफुल महीन कढ़ाई होती है जो हाथ से की जाती है। तो मेरा भी मन ललचा गया और मैंने सोचा इस बार मैं थोड़ी सी अच्छे से शॉपिंग करके जाऊंगी, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है। अभी दशहरा, दिवाली, भाईदूज सब एकदम लाइन से सारे त्यौहार आते हैं, तो सोचा कि अपनी फैमिली के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ खरीद के लेकर जाती हूँ यहाँ से। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो मेरी शॉपिंग देखने के लिए। तो इस बार जब मैं स्टोर में गई ना, तो सबसे पहले मैंने अंशुल के लिए कुर्ता देखा, बिकॉज मुझे अंशुल के लिए कुछ गिफ्ट लेना ही था, तो सोचा कि उनके लिए कुर्ता लेती हूँ। और मैंने लिया है ये रेडिश पिंक कलर का कुर्ता उनके लिए, और इसकी कढ़ाई आपको थोड़ा सा करीब से मैं दिखाती हूँ। देखिए, इस कढ़ाई को उल्टी बखिया की कढ़ाई बोला जाता है, और ये फ्रंट में देखिए इस तरीके की कढ़ाई है। बहुत ही सुंदर कुर्ता है, और कुर्ते में भी ऑल ओवर कढ़ाई है, लाइट लाइट हैंड्स में भी है, और इसका जो नेक है वो तो देखने लायक है। आप देखिए, ये कुर्ता मैंने अंशुल के लिए लिया है, और इसके साथ वाइट पजामी चलेगी जो उनके पास ऑलरेडी है, तो बस मैंने उनके लिए कुर्ता बाय किया है। एंड आई थिंक आई पेड 650 फॉर दिस। गोविंद के लिए भी मैंने देखिए ये कुर्ता बाय किया है, इसमें अलग तरीके की कढ़ाई है, इसका नेक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैंने ट्राई किया है कि अंशुल और गोविंद का कलर थोड़ा सा सिमिलर हो। उनका थोड़ा सा पिंकिश की तरफ है और इनका थोड़ा सा ऑरेंजी शेड है। और ये देखिए इसका पूरा कुर्ता, कढ़ाई हाथ में भी है, और ये इसका नेक है। इसके साथ प्लेन पजामी है वाइट कलर की, एंड दिस पीस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। मैंने गोविंद को ये ट्राई करा के देखा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एंड बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, सिर्फ 200 रुपीज़ का मैंने ये पूरा पीस लिया है इसके लिए। थोड़ा मेरी भाभी को भी अपने मायके में किसी को गिफ्ट करना था ये कुर्ता, उनके भी भैया के बच्चे हैं और दीदी के बच्चे हैं, तो भाभी ने भी कुर्ते मंगाए थे, तो उनके लिए भी मैंने ये कुर्ते लिए हैं। एक तो सेम कलर जो गोविंद का लिया है वो लिया है, ये कलर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और बच्चों के हिसाब से कलर काफ़ी ज़्यादा लाइवली सा है, तो ये मैंने साइज़ 30 का लिया है। भाभी की दीदी का बेटा, उसके लिए एक कुर्ता मैंने ये वाला लिया है सेम प्लेन वाइट पजामी के साथ, और एक मैंने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता लिया है, जो भाभी के भैया हैं उनका बेटा है, तो उसके लिए मैंने ये कुर्ता लिया है। तो ये कुर्ता भी बहुत सुंदर है, सब तीनों कुर्तों की कढ़ाई एकदम सिमिलर है, आप देख ही सकते हैं, बस हल्की हल्की नेक पे है और बाजू पे है। एंड ऑल ओवर ये कुर्ता बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा जब बच्चे पहनेंगे तो। उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मी के लिए एक सूट लेती हूँ मैं, तो ये देखिए एक ये मम्मी के लिए सूट पीस लिया है, इसकी कढ़ाई बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये प्योर में है, प्योर जॉर्जेट का कपड़ा है, और इसकी कढ़ाई मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। देखिए ये होती है चिकनकारी, बिल्कुल फाइन वर्क होता है, हाथ से किया जाता है ये सारा काम, और ये कलर मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, तो मैंने सोचा चलो एक सूट पीस उनके लिए भी ले लेती हूँ। यस, इसमें दुपट्टा भी है, देखिए ये दुपट्टा है, तो दुपट्टे के भी बॉर्डर में कढ़ाई हो रखी है, ये देखिए। लेकिन सूट पीस ओवरऑल कलर वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने सोचा चलो एक ये ले लेती हूँ, और इसका मैं पूरा एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा भरी हुई कढ़ाई है इसकी, जब ये लाइनिंग लग के कुर्ता बनेगा तो वो बहुत सुंदर लगने वाला है। कल मेरी मौसी ने भी बहुत सारी शॉपिंग की है, और उनकी शॉपिंग भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि चिकनकारी कितनी सारी वेराइटीज़ में आता है। तो ये देखिए मौसी ने बाय किया है एक ये कुर्ता पीस, ये गोटा पट्टी में मौसी ने बाय किया है, चिकनकारी पे गोटा पट्टी का काम है। और अगर आपको मैं ये पूरा खोल कर दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए इस तरीके की ये कुर्ती बनेगी, नीचे से इसका ये हैवी बॉर्डर है, और पास से अगर मैं आपको इसकी कढ़ाई दिखाऊं तो अगेन ये बहुत सुंदर और फाइन जो है इसकी कढ़ाई है, और इस पूरा हैंडवर्क होता है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, और कपड़ा अगेन प्योर जॉर्जेट का है। तो ये जो सूट पीस था हमने लिया है 3400 का, और बहुत ही प्यारा सॉफ्ट येलो कलर है,
इसके साथ दुपट्टा भी नहीं था, लाइक इसके पीस में सिर्फ कुर्ती बनेगी, तो इसका दुपट्टा भी फिर हमने अलग से बाय किया। ये वाला देखिए गोटा पट्टी का ही, ये 350 का हमने दुपट्टा बाय किया है। बहुत ही प्यारा ये सूट बन के आएगा जब ये स्टिच हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है पीस बहुत सुंदर लगेगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लोजली इसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। और चिकनकारी का बेस्ट पार्ट ये होता है, जो बॉटम्स में आप चाहे तो पैंट्स ले लीजिए, चाहे प्लाजोज ले लीजिए, चाहे सिंपल आप व्हाइट कलर की लेगिंग्स ले लीजिए, सब व्हाइट कलर का आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो थ्रेड वर्क होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। और वैसे आजकल चिकनकारी बहुत वैरायटीज में आने लगा है। कल मैंने पचरंगा चिकनकारी देखा था जिसमें 5 कलर के डिफरेंट थ्रेड्स यूज हुए थे, एंड डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड से पूरी कढ़ाई करी गई थी कुर्ते पे। और उसके बाद आपको चुनरी प्रिंट में चिकनकारी मिल जाएगा, तो बहुत वैरायटी है चिकनकारी की। अगर आप कभी लखनऊ आए तो आप पुराना लखनऊ जरूर जाएं, गोल चक्कर पे मेन मार्केट में, वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। आई नो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लखनऊ से हैं, तो मैं ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कभी कोई लखनऊ आए तो वो बाय कर सकें। और इस तरीके के कपड़े पहन के ना बहुत एलिगेंट लगते हैं, बहुत डिफरेंट लुक आपको देंगे। तो ये हमने मौसी के लिए लिया था, उसके बाद मौसी ने एक गोटा पट्टी में कुर्ती भी बाय करी। यस, वहाँ पर स्टिच्ड कुर्तियाँ भी हैं। तो ये देखिए एक ये कुर्ती बाय करी मौसी ने, अगेन बेबी पिंक, सॉफ्ट बेबी पिंक कलर है ये। ये भी चिकनकारी है और गोटा पट्टी मिक्स है ये, और बहुत ही प्रिटी है ये कुर्ती भी। मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए गोटा पट्टी के साथ चिकनकारी थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा है, पार्टी वेयर टाइप। अगर आप पार्टी वेयर देखना चाहते हैं तो इस तरीके का आप ज़रूर देखिएगा गोटा पट्टी वाला। और यस, फिर इस कुर्ती को पूरा सूट बनाने के लिए हमने ऊपर से ये इसकी मैचिंग की दुपट्टा भी लिया। इसमें हल्का हल्का मिरर वर्क है बीच बीच में, और नीचे ये छोटे छोटे डैंगलर्स लगे हैं। उसके बाद मौसी ने एक ये लाइट कुर्ती ली है अपने लिए, बहुत ही बेसिक सिंपल कुर्ती है, बट इसकी चिकनकारी बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं कंट्रास्ट में इसकी चिकनकारी का काम किया गया है। थोड़ा सा ये देखिए ये डिज़ाइन मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर कुर्ती मुझे लगी, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी, ये सिर्फ 1000 रुपीज़ की कुर्ती है, एंड डे टू डे बेसिस पे आप इसे पहन सकते हैं। और इसका नीचे का बॉर्डर मैं भी आपको दिखाऊं, तो देखिए ये बॉर्डर इस तरीके का है इसका। बेस्ट पार्ट इसकी ये होती है कि इनमें ना कपड़ों में बिल्कुल भी गर्मी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड पतला होता है। बैक में भी लाइट कढ़ाई है, ये देखिए। एंड टू गो विद दिस कुर्ती हमने एक प्लाजो लिया है। अगेन मैंने आपको जैसा कि बोला कि चिकनकारी आजकल प्लाजो में, पैंट्स में, सभी में आ रही है, तो ये देखिए ये प्लाजो है। और इसका बॉटम मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे चिकनकारी का काम किया गया है, ये देखिए। मतलब इतना ज़्यादा फाइन वर्क लगता है ना कि देखने में ही ये इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है कि आप पूछिए मत। और ये पहना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हमने बचपन में तो बहुत कुर्ते और बहुत सारे जीन्स के ऊपर जो लॉन्ग कुर्तियाँ होती हैं वो पहनी हुई हैं चिकनकारी की, बट शादी के बाद ये मैंने पहली बार चिकनकारी की शॉपिंग की है, तो आई वॉज़ रियली एक्साइटेड कि मैं आपको सारा अपना चिकनकारी का सामान दिखाऊँ। तो ये देखिए ये प्लाजो, ये प्लाजो भी 1000 रुपीज़ का हमने लिया था। और अब मैं दिखाती हूँ हमारी शॉपिंग का मास्टरपीस, शायद आप लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा। ये भी चिकनकारी का सूट है जो मैं आज पहन के बैठी हूँ। मैंने कल ही ये लिया था और मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसे पहन के ही एक वीडियो फिल्म करूँ और फुल व्यू आपको इस सूट का देती हूँ। एक्चुअली ना मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फैशन पेजेस को फॉलो करती हूँ, और कहीं पर मैंने एक मॉडल को पहने हुए देखा था, प्लेन वाइट कुर्ता और उसके ऊपर ये चुनरी प्रिंट का दुपट्टा। और उसी टाइम से ना मेरे माइंड में एक इमेज थी कि मैं ऐसे चिकनकारी का एक वाइट कुर्ता लूँगी और उसके ऊपर ये चुनरी प्रिंट का दुपट्टा लेकर आऊँगी, ऐसा गोटे वाला। तो मेरे माइंड में जो इमेज थी ना वो कल मैंने एक्चुअली रेप्लिकेट की अपनी शॉपिंग में, और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसा कुर्ता लिया है। और इसके नीचे मैंने पैंट्स ली हैं अगेन चिकनकारी की, तो मैं अभी फुल व्यू आपको दिखाती हूँ इसका। ये जो कुर्ता है इस ये भी प्योर जॉर्जेट कपड़े में है, और इसकी पूरी ऑल ओवर कढ़ाई है जैसा कि आपने देख ही लिया। हैंड्स की कढ़ाई भी मैं थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखा देती हूँ,
जो इसकी पैंट्स मैंने ली हैं वो सिंपल कपड़ा है, बट उसकी भी नी लेंथ तक कढ़ाई हो रखी है चिकनकारी की, और इसके साथ मैंने ये जूनरी प्रिंट का दुपट्टा लिया है। तो ये ओवरऑल सूट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है, मैं अलग अलग प्राइस बता देती हूँ। ये जो कुर्ता है ये मैंने लिया है 3400 का, और ये जो दुपट्टा है ये लिया है 750 का। इसका इसमें ऑल ओवर ये गोटा लगा हुआ है, आप देख ही सकते हो चारों तरफ से, और लटकन भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा हैवी लुक में है ये दुपट्टा और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। पैंट्स ली हैं अगेन, उसमें हैवी कढ़ाई है नी लेंथ तक, तो वो मैंने 450 का लिया है। तो ये ओवरऑल सूट जो है थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ा, बट इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, मुझे तो ब्यूटीफुल लग रही है। अब आप लोग बताएंगे कि कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी कोई चिकनकारी के कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि आई नो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कभी तो कुछ खरीदा होगा, क्या खरीदा, कब कहाँ से आप लोग खरीदते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये शॉपिंग मैंने कहाँ से की है। मैंने की है ये खन्ना लखनऊ चिकन आउटलेट से, ये काफ़ी अच्छी दुकान है, यहाँ पे बहुत वैरायटी में आपको चिकन के चिकनकारी का काम मिल जाएगा, तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। और यहाँ पे आपको आराम से 15-20% डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड बार्गेन करके आप अच्छे पीसेज उठा सकते हो। तो ये देखिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा सूट आपको कैसा लगा। ये मैंने बहुत मन से बनवाया, एक्चुअली मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे इस तरीके का सूट चाहिए, एंड एक्चुअली मैंने जो इमेज है वो विजुअलाइज करके कल सूट खरीदा है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। और कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुशी वाला ऑरा अपने अराउंड बनाइए, पॉजिटिविटी अपने अंदर गेन करिए, एंड विद दिस आई से बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।